चकही मिली आज मुकुं ब्रज फेरी में रूप सिंधु में सो मानो निकरी कोई इंदु छवि मोहन मन बसी याकी दृग हीरी में
कैसे कह पूछूं कछु साहस ना परत मुख तूती की सुनेगो कौन श्रृंग नाद घेरिन में मुकू नेक चाह चट घूंघट पट फेर लियो पुन्यो को चंद्र दुर्यो अमावस की अंधेरी में जय हो। कौन है मैं इनसे पूछ लू परंतु जी मुकू तो शरम लगे है शरम। अच्छा जी अरे हाँ यों कहो करे हैं जाने करी शरम वाके फूटे करम या सो पूछ लेनी चाहिए कन्हैया लाल जी। जी मैंने कही राम राम जी अजी राम राम जी राम राम अजी आप बुरो नहीं मानो तो मैं आपसे एक बात पूछूं। अवश्य पूछो जी। अजी बूझत श्याम कौन तू गोरी कहाँ रहत काकी हो बेटी देखी ना ही कवहु ब्रज खोरी। अजी आप कौन की लाली हो आपको कहा नाम है और आपके गांव को कहा नाम है आप मुकू बताओ। अजी काहे कुहम बन में आवत खेलत रहत आपनी पौरी सुनत रहत श्रव नन नन झूठा करत फिरत माँ खनकी चोरी। अजी हम काहे कूतो या ब्रज मंडल में आमे ही और कहा हमारो काम परे है हम तो अपनी बाबा की पौरी पे ही खेलो करे हैं परंतु हमने आँखें सो देखी नहीं है फिर कानन सो अवश्य एक बात सुनी है कि नंदराय जी के लाला माखन मिश्री की चोरी करें तो कहा चोर देवता आप पई हो। इनको कौन ने बताया दे अजी देखो या ब्रिज में चोर चोर तो सब मुहिसों कहे हैं परंतु चोर कोई हुएगो तो वासों डर है कहा तुम्हें तुम्हें देख चोर स्वयं आप ही लुट जावेगो। नंद को कुंवर कान मुहिसों कहे सब पर हाँ मोह समान सूधो तीन लोक में ना पावेगो। साची कहूं बात मन की बताऊं सब इन ब्रज गोपिन की बातन ते कौन बच पावेगो। चोर नाम धर के मुकू या जग में बदनाम कियो इन ब्रज की लुगाइन सो तो राम ही बचावेगो। परंतु हाँ जी तिहारो कहा चोर मैंने लीन हो खेलन चलह संग मिली जोरी मैंने आपको कहा चुराई लियो है फिर देखो कहा चुराई सकूं हूं आपकी और हमारी कितनी सुंदर जोड़ी है यदि आपकी इच्छा होए तो या श्रीवन में विहार करिया हमें या श्रीवन में भ्रमण चलो जी पधारो जी। बोलो राधा माधव भगवान की जय कृष्ण प्रेम मई राधा श्री राधा प्रेम मयो हरी जीवने निधने नित्यो राधा कृष्ण गति Yeah.
हमको खेलती खेलती बड़ो ही विलम्ब है गयो है। अब हम अपने घर को जा रही हैं। अजी नेक्स्ट देर और खेल लियो। नहीं नहीं, हमारी मैया हमसे लड़ेंगी। लड़ेंगी? हाँ। तो सुनो, मेरी एक विनती है। विनती है? हाँ जी। कहो जी, कहा विनती है? खेलन कवहु हमारे आवो, नंद सदन ब्रज धाम द्वार पे आए, तेर मोहिनी जो कान है मेरो ना। अजी, हाँ जी, आप हमारे यहाँ खेलवे को एक बार तो अवश्य पधारियो। अजी, आप कहा कह रहे हो तुम्हारे यहाँ खेलवे आमे? हाँ अजी, हमको आपको नाम पतो नहीं और आपके गांव को नाम पतो नहीं तो कैसे आंगी? हाँ जी, ये तो आपने सांची कही, हमने नाम गांव तो बतायो ही नहीं। हाँ तो भाई तो बताओ। अजी, मेरा सुदोसो नाम है। सुदोसो? हाँ। तो बता दो। कुंवर कान। कुंवर कान मेरा नाम है। और अच्छा। मेरे गांव को नाम नंद गांव। आपके गांव को नाम नंद गांव? हाँ जी। ठीक है जी, परंतु जी एक बात बताओ। ये कही? हाँ। अच्छा, एक पूछ। आपने हमसो इतनो हित काहे को किया? कैसे आऊं रे रे, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। जो आप अपने बरसाने को हमारे नंद गांव से दूर जानो, तो जहां आप चलती चलती हार जाओ, थक जाओ, वहीं से मुकुं टेर लीजो, मैं भजो भजो चले आऊंगा। जी आप आ जाओगे? हाँ जी, आपको आपके बाबा की सोए तो अवश्य खेलवे आनो पड़ेगा। हाँ जी, तो हम अवश्य आएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, परंतु एक बात और बताओ। अच्छा। आपने इतनो हित काहे को कियो? सुधी जान निपट अति भूरी, याही सो कीनो हिसा। मैंने आपको सुधी जान के भूरी जान के इतनो हित कियो है, क्योंकि क्यों जैसी सुधी आप वाहुते कहूं कहूं ज्यादा सुधो मैं और जितनी भोरिया वाहुते कहूं ज्यादा भोरो मैं। बहुत भोरे हो भोरे आप हो। हाँ जी, कच्ची ज्यादा ही भोरे हो। हाँ जी, ज्यादा ही भोरे हो। हाँ। आप कहीं हो प्रातः काल या सायंकाल? ठीक है जी, अब हम आ जाओ। राम राम जी, राम राम जी।
हाथ धरोगी हाँ तो मेरो नाम याद आ जावेगो नंदगाम नंदगाम कुंवर कान। देखो जी आपने मुकु बुलाए दियो। अच्छा जी। हाँ जी, कान पे हाथ धर के कुंवर कान, कुंवर कान, और नाक पे हाथ धर के नंदगाम, नंदगाम। अजी ने बताया और दियो, नंदगाम कुंवर कान। अच्छा, कुंवर कान नंदगाम, नंदगाम नंदगाम कुंवर कान, नंदगाम कुंवर। जी ना है, जी ना है, आप तो वही थे भूल रही हो। तो कान पे हाथ धर के कुंवर कान, और नाक पे हाथ धर के नंदगाम। ठीक है जी, अब ना भूलेंगे। अजी कैसे कैसे, नंदगाम कुंवर कान, कुंवर कान नंदगाम। ठीक है जी, भूल मत जाइयो। ना है जी, अब ना भूलेंगे। ठीक है जी, राम राम जी, राम राम जी। पुरे पुरे पूछे ते नाम कहा, कैसे जाऊं ब्रज भान डगर को, कैसे जाऊं ब्रज भान नगर को, गलत डगर पग, अरे
ब्रज भान की लली या साम्राज ने घड़ा लगाई के चले अरे ब्रज भान ज्यादा मीठी है तो कह दे लाला तभी तो गोदी में आया हूँ कोई सुनना ले हाँ तो कह दे एसी में कोई ना आए चुप कह दे तू मेरे कान में हाँ ठीक है मैया मैयारी लाला रे कह तू मेरो मैं तेरो भैया शर्म लग रही है शर्म लग रही है मुख को बोझ लग रहा है चल दाढ़ी तो शर्म लग रही है देखो तो सही दाढ़ी को मैया सोहू शर्म करे ए? अच्छा मैया सो शर्म नहीं कियो करे शर्म ना करनी चाहिए बेटा तो ये बात तेने मुख पहले क्यों ना बताई अब हम शर्म नहीं करेंगे अब ना करेगो शर्म गोदी में ले ले ठीक है तो कह दियो आ जा मैया ए हो क्या बेटा मैया री बेटा रे कह तू मेरो मैं तेरो मैया शर्म लग रही है शर्म लग रही है दारी की जल्दी कह दे तोते शर्म नहीं लग रही है तोर? देख वो चश्मा वाली मैया बैठी है ना बातें शर्म लग रही है वो देख रही है टुकुर टुकुर शर्म मत करे बेटा हाँ, कह दे कह दू हाँ बहुत कह दू कह दे मैया री लाला रे तू मेरो मैं तेरो मैया ब्याह कराए दे हाँ चल दाजी की चल देखो तो सही कैसी बातें निकल रहे हो है तेरे ब्याह की काज मन करे क्यों रे मैया थोरो थोरो नेक नेक करे अच्छा देख कन्हैया लाला मैं तेरो ब्याह तो कराए दूंगी परंतु एक बात है तू घर घर में चोरी कर तो भयो डूले और तेरे ब्याह बारे आमे ना वो सुने के जसोदा जी के लाला चोरी करें चोरी तो चोरी की बात को सुन के तेरे ब्याह बारे लौट के ही चले जामे बेटा हाँ मैया घर सो ही लौट के चले जामे चले जामे मैया हाँ चोरी मैंने छोड़ दई तेने चोरी छोड़ दई छोड़ दई कब ते छोड़ दई लाला जब ते तेने ब्याह को नाम लियो है ले री ले दारी के मैंने ब्याह को नाम तो अब लियो है तो मैया अब छोड़ दही अब चोरी ना करेगो ना मुकु तो ना विश्वास होए तू चोरी नहीं करेगो तेरी सौ खाए के बताऊं अच्छा हाँ मैया तब तो विश्वास होएगो ना हाँ तो बता मैया सुन
सो खाऊं पर घर नहीं जाऊं, मैया अभी न करूं गो चोरी। तीरो कराए दूंगी बेटा, कोई आवेगो तो कैसी बहू लेगो तू? मैया मेरी बहू छोटी होनी चाहिए। छोटी 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 सी? कितनी छोटी सी? मैया इतनी छोटी कि जब मैं अपने संग के सखन के संग गैया चराए हुए जाऊं तो वाकू अपने गोजा में रख के ले जाऊं, इतनी छोटी चाहिए। अपनी बहू अपने गोजा में धर के ले जायो करे? हाँ मैया। तेरे बाबा ते कह के एक प्लास्टिक की गुड़िया मंगाए दूंगी। मैया खाड़ की गुड़िया ना चाहिए, सांचे की चाहिए। सांचे की लेगो? और मैया हाँ। मूती ज्यादा भूरी होनी चाहिए। तू तो ज्यादा भूरी, तू तो भूरो ना है। भूरो ना हूँ? हाँ। मैया कैसी बात करे, अपनी लाला को भूरो ही ना कह रही तू। और बता और कैसी लेगो? और मैया मेरी बहू नथवारी होनी चाहिए। नथवारी होनी चाहिए? हाँ ठीक है, नथवारी मंगा। मैया और तेरी मांग तो घूंघट कर लियो करे। अच्छा, और मेरी मांग देख के मंद मंद मुस्काए जायो करे, जैसे तेने आधा घूंघट कर रखे है ना। हाँ। ऐसी तेरी मांग तो घूंघट कर ले और मेरी मांग देख के मंद मंद मुस्काए जाए। अच्छा ठीक है बेटा। और मैया? हाँ और बता। मैया सुन। हाँ मैया एक बात तू और सुन ले। मैया एक बात तू और सुन ले। गीत गारी गवाई दीजो। अच्छा ये ब्रज गोपी तेरे ब्याह के गीत गारी गांगी? हाँ तो पूछ ले। मैं काई को पूछ लू गारी के तेरा ब्याह होगा, तू अपने आप ही पूछ ले। मैया हाँ मैं संग के सखन ते अपने बरातन के ताई पूछ सकूं, पर इनते मुकु शर्म लगे तू पूछ ले। तेरे संग की सखी है तू ना पूछ सके? तो मेरे संग की सखी है, ब्याह तो तेरा ही होगा ना, तो अपने आप पूछ तू। हाँ पूछ ले। कहो ब्रज गोपियों तुम सब मेरे ब्याह की गीत गारी गाओगी? निक जोर ते हाथ उठाई के बोलो। मेरो ब्याह तो है जावेगो, मेरी मैया ऊंचो सुने। हाँ। गाओगी? यो कह रही है। हाँ। मैया कछु कह रही है गाएगी और कछु कह रही है खाएंगी। अच्छो हाँ तो तुम चिंता मत करो, मेरी मैया इतने मोटे मोटे लड्डू देगी और खूब ही पहरावनी देगी, चिंता मत करियो। जोड़ते गई हो गाओगी?
सब तैयार, सब तैयार है तेरे ब्याह में गीत गारी गा। और बता और का हुए को? और तो सब ठीक है। हाँ मैं अपनी बारात में सबको ले जाऊंगा। अच्छा, परंतु अपने बड़े भैया बलराम को नहीं ले जाऊंगा। क्यों रे? सबको ले जाबेगो ब्याह में, बलदाऊ भैया को नहीं ले जाबेगो? नहीं ले जाऊंगा। अरे बेटा, वह तेरो भैया वाकू क्यों नहीं ले जाबेगो तू? मैया या कोई कारण है। कहा जो दाऊ दादा है ना, वह मुते ज्यादा गोरी है और मैं कारण हूँ। वहाँ उनको देख के यूं समझेंगे कि दूल्हा ये है, वाको ब्याह है जाएगो, मैं ले जाऊंगो ठन ठन पाल मदन गोपाल। अरे ले री ले, जा बात को डरे तू को। हाँ मैया, गोरो बनाई दीजो तू, हल्दी लगाएगी। हल्दी लगाएगी क्यों? देख के कहूँ वहाँ की छोरी हंसे ना। ठीक है कन्हैया, बना दूंगी। मैया की और कन्हैया की बात को मत जा मंगर। बात को कहू बताइयो मत, ठीक है ना? ब्याह तो मैं करा दूंगी तेरो। अच्छा। हाँ ब्याह करा दूंगी, पर बताइयो मत कहू को। आ गए दूल्हे घोड़ा पे बैठ। ओ भैया बात सुनो, ये जो मैया बेटा घर में बतरा रहे ना, मेरी समझ में आ रही है और तो कछु ना आ रही। एक ही बात समझ में आ रही है, ब्याह 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 है रो। कौन को है रो? मधुमंगल लाल जी, अनुमान लगाओ कौन को ब्याह सके? कन्हैया कारो को करेगो या कारे को ब्याह? या को तो ब्याह करेगो ही ना कोई, या के ब्याह की बात करेगो ही ना कोई। ओ वैसे कन्हैया तो ही छोटो है, ब्याह लाग ओ याते बड़ो बलदाऊ बलराम तो का। मैया वाकई ब्याह की बात कर रही है? नहीं नहीं, बलराम को कोई ब्याह न करेगा, सारो भांग पी के परो रे। बेचारो कोई छोरी दे के पछतावेगा। ना जब कन्हैया के ब्याह की बात ना चल रही, बलदाऊ के ब्याह की बात ना चल रही, तो फिर कौन की चल रही? मुझे लगा ये मेरे ब्याह की बात चल रही। ये मेरे ब्याह की बात चल रही है। यदि मेरे ब्याह की बात चल रही है और मुझे इतना पूछी, माता जी आए गए घोड़ा पे बैठ के। कौन आए गए हो? ये घोड़ा तेरो? ये रथ वाला कन्हैया बैठो घोड़ी, मैं बैठूंगा घोड़ा पे। माता जी हाँ अच्छा, तू बत जब तू बतरा रहा मैं ना बोलो ना, सारे हट जा। सुनो सुना, ब्याह करवा रही हो ना? कौन कह रहे हो तू ते? सुनो एक बात बताऊं, तुम यदि ब्याह के लिए कोई छोरा ढूंढ रही हो ना, तो सबसे पहले छोरी वारो का ढूंढे कि छोरा कहाँ कमावे, छोरा रूप स्वरूप को कैसो है। तो देखो कानो नहीं है, भेड़ो नहीं है, कारो नहीं है, ठीक है? और दूसरी बात कमावे का कमावे, सत्यनारायण की कथा बांच में जाए, रोज एक शेर पंजीरी बांध के लावे, 18 पूरी लावे गिन के, और सूखो आलू को साग लावे। ठीक है बताओ कहाँ कौन है छोरा? बताऊं कौन है? बता, मैंने तो देखो ना है वो। बताऊं छोरा? हाँ, बता। देखो तेरा तू है मैया। सुन कन्हैया तो अभी बालक है। हाँ। या को तो आज ना कल छोटो है बड़ो बह जागो फिर है जागो, मेरी तो म्याद खत्म है जा रही है। मैया आज करवा दे कैसू, एक चाहे मोटी दबा दे, चाहे कारी दबा दे, चाहे लंगड़ी दबा दे, चाहे काणी दबा दे, बता दे कैसे काणी कैसी होए? कैसी हो? पर बहू होए? हाँ मैया का है मोटी बहू। मोटी को कहा करेगा? ओहो कन्हैया कह रहा हूँ छोटी और मैं कह रहा हूँ मोटी। सुन मोटी हाँ, को कहा होगा? कहा होगा मोटी को? जाड़ो पर रहो, मेरा जो घर है ना वाके द्वार में किवार नहीं है, मोटी बहू है दरवाजे में फंसा दूंगा, आप रजाई ओढ़ के सो जा। और मैया सुन, यदि कारी बहू मिल गई। कारी तो काऊ काम की ना, तू इतना सुंदर है कैसे? कारी तो बहुत प्यारी है। कैसे मैया? कारी बहू है ना तो देख, नवरात्रा आमे चैत्र के अश्विन के आमे ना नवरात्रा, बड़ी देवी की पूजा करें, ये जब देवी देवी मैया
मेरी बहू काली होगी ना, वहां पर नेक तेल चपड़ दूंगा, लाल बिंदा लगा दूंगा, एक हाथ में तलवार दे दूंगा और जय काली कलकत्ते वाली। और पूजा खूब करो, खूब करो, खूब पैसा कमाओ। और मैया और लंगड़ी को क्या करेगो? लंगड़ी हाँ। बहुत काम की बहू है। कैसे मैया? देख लंगड़ी बहू का होवे ना, जब वृंदावन बिहारी जी जाए ना, मेला ठेला झूला चले ना हाँ। जब सामन में होरी पे बहुत भीड़ हो वृंदावन में, ऐसी भीड़ हो बच्चा खो जाए, बहू खो जाए, यदि ऐसे काऊ मेला में मेरी बहू खो गई और मेरी बहू लंगड़ी, तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, खो जाएगी तो टूटते देख लो अलगते झंडा सो हल तो आवेगो। तो लंगड़ी बहू को ये फायदा है। यासो मैया मेरो सुन, ब्याह करवा। अरे मैया मेरो ब्याह कराए दे, मुई नव दुल्हन मंगवाए दे, ब्याह कराए दे, मुई नव दुल्हन मंगवाए दे। ओ मैया मेरो ब्याह कराए दे, मुई नव दुल्हन मंगवाए दे, बड़ी बहू और बड़े भाग गोदी में मोई खिलावेगी। भैया बड़ी बड़ी भाग गोदी में मोई खिलावेगी, बड़ी बहू और बड़े भाग भैया गोदी में मोई जिमावेगी। अरे नंदगांव ते बरसाने तक अंगूरी पकड़ी घुमावेगी, नंदगांव के परेशाने तक अंगूरी पकड़ी घुमावेगी। अरे मोटी सी मंगवाए मैया, छोटी सी मंगवाए, कारी सी मंगवाए, हाथ मेरे पे लगन धराए दे। नथवारी मांग रहे हो कन्हैया तो, और नथवारी नहीं तेरी कैसी हुई? चश्मा वारी, चश्मा वारी लगाई की आवे, नथवत तो है ना, गाड़ी के पहिया डाल दूंगा नाक में। कन्हैया तो पूछ लूं, क्यों रे कन्हैया सारी की तू कह रहे हो मैया ब्याह करा दे, ब्याह करा दे, ब्याह की कछु रीति रिवाज जाने, कैसे ब्याह हुई? कैसे कैसे ब्याह की रीति रिवाज कैसे कैसे कहा हुई ब्याह में? तो कु नहीं पता, मुकु नहीं पता, तू तो बता। तेरा ब्याह नहीं भयो गारी के? मेरा तो भयो, बहुत समय पहले भयो मेरो, तो मैं तो बाकू भूल गई, भूल गई। तू बता मैया, या तो ब्याह करवा दे, मेरो दहेज करवा दे। तेरो दहेज मैया सुन, पहले एक नाई को एक ब्राह्मण को आवेंगे, ठीक है आए गए, और वह मेरे हाथ पे 125 रुपया और एक नारियल रख जाएंगे। तेरे हाथ पे 51 रुपया? ठीक है धरी गई, फिर क्या हुएगो? फिर मैया सगाई पक्की है गई ना? हाँ है गई। फिर मैया मेरी फेरी होएगी? फेरी हो गई। फिर मैया मैं सबरे बरात को लेके, अरे घोड़ा पे बैठेगा कि ना? घोड़ा पे ना बैठूंगा सारे, तो घोड़ी पे बैठूंगा भाई। मैं तो घोड़ा पे बैठूंगा, मैं घोड़ी पे बैठूंगा, बाबा तो कह दिए मैंने। अच्छा हाँ, घोड़ी पे बैठ के फिर मैं छोरी वारी के यहाँ जाऊंगा, सबरे बराती खाएबे पीबे के चक्कर में रहेंगे, और मैं और बाबा फेरान के चक्कर में रहेंगे। क्यों भैया? कन्हैया हाँ, तू जहाँ जा रहा हो ना ब्याह करवे, हाँ जा, तेरी ससुराल है ना? ससुराल है हाँ। वहाँ की बगल में एक घर है। अच्छा हाँ, एक घर है जहाँ में नीम को पेड़ है। अरे वो तो कुमार को घर है।
कुमार नहीं है ससुर जी, प्रजापति है। नहीं नहीं, हमारे ससुर जी हैं तो कुमार नहीं, नहीं नहीं कुमार नहीं है, है तो पंडित जी। अच्छा, अच्छा। पर काम कुमार पने को करें, ये तो स्वतंत्र रखे वहां बने भाई, ये तो स्वतंत्र बाजार है, कोई कछु कर सके, या मैं का बात है, सही है। व्यापार करें भैया, मेरे फेर आए गए, फिर क्या होगा, मेरी बहू अपनी मैया ते कैसे रोएगी। अच्छा मतलब विदा होगी तेरी बहू तो अपनी मैया ते कैसे रोएगी और मिलके आवेगी। हाँ मैया, बता कन्हैया कैसे आवेगी, तो कुना पता तू ना रोके आई मैया, कैसे बहू रोके आवे तो ना पता, वो ना पता, जब तू आई तो वैसे ही आ गई बिना रोए आ गई। अब बहुत समय है गो बेटा, मैया इतकुआ देख मैं बताऊं। हाँ बता। अरे मैयो, अरे डोकरी, मुए पीटे गो ससुरार में, ले जाए मेरी मैयो, कैसे कना सकू ब्याह दई। ऐसे रोई आई की बहू, ऐसे कैसे कना सकू ब्याह दई, ऐसी कहेगी। ठीक है, याद की बहू तो ऐसी कहेगी, तेरी बहू वहां से विदा है गई, फिर का होएगो, फिर मैं और मेरी बहू आए के तो को प्रणाम करेंगे, तू हमको कहा आशीर्वाद देगी। अच्छा आशीर्वाद दूं तो को और तेरी बहू को, आशीर्वाद यही आशीर्वाद दूंगी कन्हैया के, मेरी कन्हैया की और कन्हैया की बहू की खूब गंगा जमुना जैसी उम्र बढ़े। अरे मैया तू बड़ी बूढ़ी है गई, तू पे आशीर्वाद दे वो नहीं आयो, मैं बताऊं कहा दीजो, कैसे दे मैं तो बताइयो, तू कीजो कन्हैया तेरे खूब लाली लाला होवे। चल जा हां, नजर ये देख ले मैया, तेरे तो एक एक कन्हैया यहाँ के खूब होंगे। अभी ब्याह तो होना है लाली लालन के, अभी तो सोच में लग गए हो ना, और ये भूख लगी मैया। हाँ सुन, जब ज्यादा लाली लाला है जाएंगे ना, घर में तो जगह बचेगी ना, तू और नंद बाबा जमुना जी के किनारे जाड़े में एक झोंपड़ी डाल ली दोनों, समझे, और जैसे वृंदावन में बाई भजन करे, राधा कुंडो कृष्ण कुंडो गिरी गोवर्धन, मधुर मधुर वंशी बाजे सोई वृंदावन, हरे रामो हरे रामो 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 हरे हरे। चपरे चपरे चल अब जा, बुरवा के बिहारी ला और उधर में श्री राधा, खेलन के मिस कोमर राधिका, खेलन के मिस कोमर राधिका, खेलन के मिस कोमर राधिका, सुनत श्याम अति कोकिल बानी। जी आप आएगी? हाँ जी हम आएगी। तो आप बाहर क्यों ठाड़ी हो, भीतर महलन में पधारो। नहीं नहीं जी, हमें आपकी मैया सो सकुच लगे तो हम भीतर ना जाएंगे। या में सकुच की कहा बात है, जैसी आपकी मैया वैसी हमारी मैया। ना जी आप अपनी मैया को यहीं लिवाओ, यहीं बुलाए लो। हाँ आप यहीं रुको, मैं मैया को बुलाई के लाऊं। जाओ तू कहाँ गए हो हैं मैया। हाँ बात जोड़न पे मुकुं कोई बुलाए नहीं,
बुलावे बारी आई है तो कुडोड़ीन पे क्यों रे रोज तो तू तो बुलावे बारी तेरी संखी ग्वाल वाल आयो करे आज कोई बुलावे बारी आई है कौन की छोरी को बहका लायो तू मैया री तू उनको जाने बारंबार बताई है यमुना तीर गेल में भूलो बांह पकड़ घर लाई अच्छा एक बार मैंने तुकु बताई कि हम सबरे ग्वाल वाल मिलके यमुना जी के तीर पे गैया बछड़न को चराए रहे वही समय बड़ी जोर से आंधी वर्षा हेवे लग गई सबरे ग्वाल वाल अपने अपने गैया बछड़न को लेके अपने अपने घर को आए गए और मैया मैं अपने घर के मार्ग को भूल गयो तो वहाँ एक कदम के वृक्ष के नीचे ठाड़ो है के रोई भी लगयो तो जो ये बाहर ठाड़ी है ना ना जाने कहाँ सो आई मेरी बांह को पकड़ के मुकू घर के बाहर तक छोड़ के गई तारी के तू इतनो भूलन जो अपनी ही घर की रास्ता को भूल गयो मैया मैं भोरो हूँ ना भोरो है और वो इतनी चतुर चालाक तेरो हाथ पकड़ के तेरे घर तक कर गई तो दरवाजे पे तैन क्यों खड़ी कर रखी है भीतर महलन में ले वाला मैंने उनसो कही परंतु यूं कह रही हमें आपकी मैया सो सकुछ लगे तो पे कहीं ना गई अजी जैसी तुम्हारी मैया वैसी हमारी मैया मैंने कह दई तू चल बाहर सब बात कह दई ठीक है तो चल मैया घूंघट कर ले क्यों बाहर कोई बड़ो बूढ़ो बैठो हुएगा ना हाँ अच्छा हाँ ठीक है मेरो हाथ पकड़ ले ला जी अंत आगे बैठो कर ये लाली है के लाला है मैया ये लाली है के लाला है घूंघट तो खोल ले अब देख मैं अपनी बेटी पे बलिहारी जाऊं चटर मटर है जाऊं अरे बेटी हाँ मैया तू यहाँ क्यों खड़ी है चल बेटी महलन में चल चलो आ जा मेरी लाडो नाम कहा तेरो मेरी लाडो नाम कहा है माँ मत बैठे बेटा कोई बाहर ते आवे ना तो बाकी बराबर में नहीं बैठो करें वह कोने पे बैठ जा कोने पे हाँ वहाँ बैठूंगो दारी के बहुत मारूंगी हाँ भैया नंद बाबा आ रहे हैं कहाँ है वो आ रहे हैं दारी को बहुत ही जिद्दी लोग बहुत जिद्द करे अरे बेटी तेरो कहा नाम है कौन सो तेरो गाम है तू मुझे बता नाम कहा है तेरो मेरी प्यारी नाम कहा है बेटी कौन महर की है तेरी मेहता कहा नाम है बेटी तेरे माता पिता को कौन सा गाम है तू मुक्कू बता लाली मैया मैं बेटी सुभान बाबा की मेरी मैया तुमको जाने यमुना तट बहु बार मिलन भयो कहा तुम हमको नहीं पहचाने मैया मैं उनकी हूँ जो कि अष्ट सखिन के संग यमुना स्नान करके आमे ही और आप यमुना स्नान कर भी जाओ हो बीच मार्ग में मेरी मैया को और आपको मिलन हुए तेरी मैया को और मेरे बीच मार्ग में मिलन हुए हाँ मैया ऐसी कौन है बेटी वो जाकू मैं नहीं जानू मैया मेरी मैया आपको जाने कहूँ तू तुंग भान की तो नाए नाए मैया विशेक भान की तो नाए नाए कहूँ तू कीरत की तो नाए लाली हाँ मैया खूब जानू तेरी मैया ऐसे कहवा तू मैं जानू मैं तो बड़ी चिनाए जानू मैं तेरी मैया को
और तेरी मैया को जानू तो जानू, तेरे बाबू को अच्छी तरह सो जानू हूँ। बूढ़ो है रहो है तेरो बाबा, आखिन तिले की घोटू तक काजल लगावे है। मार्ग में कोई ब्रज गोपी मिल जावे तो हंसी ठट्टा करके चले, ऐसो है तेरो बाबा, खूब अच्छी तरह सो जानू लाली में। अरे मैया, जैसे गुण आप हमारी मैया बावन में बता रही हो, वैसे गुण तो आप में और आपके एक कारिसिक कलुआ में होंगे। अरे ले री ले, मैं अपनी बेटी पे बलिहारी जाऊं बलिहारी, कैसो बटुआ से मोहड़े में सो टका सो जवाब दियो है। सुन ले भुल्लन, तू इतनो भोरो जो कि अपनी घर की रास्ता को भूल जाए, काऊ के घर जाए तो बाकू चार बार सुनाई के आवे, सुन के नहीं आवे। मैया तुम को इनके घर भेज दे, मैं 8 बात सुनाई आऊंगो। सही कह रहे हो। देख बेटी, हाँ। तू मेरे घर प्रथम बार आई है, मैं तेरो ये सब श्रृंगार उतार के तो कु दूसरो नयो श्रृंगार धारण करा दू, तेरी गोदी भर दू लाली में। मैया हमारी मैया हमसो लड़ेंगी। तेरी मैया तू सो कछु नहीं कहेगी, कछु कहबे तो तू मेरो नाम ले दियो बेटी। अजी मेरो नाम ले दीजो, कछु नहीं कहेंगी आपकी मैया। चल चुप रे। आज मैया ने हरी ललता विशाखा सखियो, देखो सखियो मेरे घर श्री राधा आई है। मैं वाको श्रृंगार करूंगी, श्रृंगार को सामान ले आओ। मेहरी कहो मेरे जी, आप भी पधारेंगे।